हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ये मजदूर चले जा रहे हैं, इस सबके बीच में कुछ लोग ऐसे जरूर मिल जाते हैं जो इनकी मदद कर देते हैं। मदद कुछ खाना मिल जाता है, थोड़ा सा पानी मिल जाता है, लेकिन ये सफर नहीं रुकता है। देख सकते हैं ये सारे मजदूर लोग हैं और ये कानपुर जा रहे हैं। इनका ये कहना है कि हम यहाँ पर पिछले 2 महीने से हमारी कमाई एकदम बंद हो गई है और अब यहाँ रुकने का कोई हमारे पास में मौका या विकल्प नहीं बचा है। आप लोगों से जानना चाहेंगे कहाँ जा रहे हो आप लोग? कानपुर जा रहे हैं। कानपुर यहाँ पर मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं जी। अब तो ट्रेन वगैरह श्रमिक ट्रेन शुरू हो गई है, कानपुर होते हुए जा रही है। 2 महीने से भूखे प्यासे ऐसे ही मांग मांग के काम कर रहे हैं और का पैसा है नहीं। पैसा जो है नहीं है तो आप लोग रह कहाँ रहे थे? यही किराए में, मकान मालिक किराया ऊपर से मांग रहा, 3 महीने किराया दो, 3 महीने किराया दो, पैसे है नहीं कहाँ दे। तो वैसे कानपुर भी यहाँ से पास थोड़ी है, कानपुर यहाँ से 500 किलोमीटर है, तो कैसे जाओगे? अब जाएंगे जैसे मतलब पैदल कोई मिल जाएगा तो साथ निकल लूंगा। कितने दिन से आप लोग यहाँ पर जो इस तरीके से, आप लोग कब चले हो? आज सुबह ही चले हो? आज सुबह ही। तो इतने दिन क्या कर रहे थे? इतने दिन ऐसे ही थे घर में। लेकिन अब तो ये हो रहा है कि लॉकडाउन में रियायत मिल जाएगी, थोड़ा खुलना शुरू होगा। अब ऐसे ही नहीं, खाने की नहीं कुछ नहीं तो क्या करें, खाने वाने की तो कुछ है ही नहीं। खाने पीने के लिए मिले तो आदमी जाए क्यों? खाने पीने के लिए कुछ मिले तो आदमी जाए क्यों, किस लिए जाए? कुछ तो खाने के लिए मिलना चाहिए। सुबह से खाना नहीं खाए हम लोग, अभी यहाँ आए हैं तो रास्ते में खाना मिला। आप लोग जो है कहाँ, पहाड़गंज में रहते थे? तो दिल्ली सरकार कह रही है कि हमने तो जो अलग अलग कैंप लगाए हुए हैं लोगों को राशन भी। बार वहाँ से हम लोग आधार कार्ड बोले कि आप अपना आधार कार्ड और फोन नंबर उसमें लिख के हमारे पास जमा कर दो, राशन आपको मिलेगा। 2 हफ्ते से हम लोगों को ना तो कोई मैसेज आया, ना कोई फोन आया, ना कोई आदमी आया जिसके पास फार्म दे के आया, तो क्या करूँ सर, वहाँ बैठ के क्या करूँ? उसके अलावा जगह जगह जो है ऐसे स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जहाँ पर स्कूलों में जहाँ पर खाना बना बनाया मिल रहा है, राशन मिल रहा है। अब सर हम लोगों से दूरी खाना मिल रहा है, जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहाँ नहीं मिल रहा है, तब उतनी दूर। अब लॉकडाउन है तो हम लोग कैसे जाएं? जगह जगह पे पुलिस लगी है तो बताओ कैसे जाएं? मार खा के जाऊं खाना खाने, तो सर क्या करूं? जाऊं नहीं तो क्या करूं, आप बताओ। सबके बीच में फिर पिछले 1.5 महीने से आप लोग कैसे खा पी रहे हैं? अब सर जो था हमारे पास पहले वो खा रहे थे, अब जब खत्म हो गया तो अब क्या खाऊं? देख सकते हैं कि आप लोग कितने लोग हो यहाँ पर? 12 लोग है। 12 लोग, 12 लोग, सब लोग एक साथ ही रहते थे? नहीं, अलग अलग रहते हैं, एक साथ नहीं। लेकिन हम लोग कानपुर के ही, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के। हाँ, अब चाहे कानपुर की साधन मिल जाए या उन्नाव का मिल जाए, कोई जो मिल जाएगा उसी में निकल जाऊंगा। तो ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के रहने वाले लोग हैं, 12 लोग हैं। इनका ये कहना है कि भले ही सरकार की तरफ से कहा गया हो कि आपके पास खाने की जो सुविधा होगी, राशन की सुविधा होगी, लेकिन हकीकत कुछ और है। ये लोग लगातार अपना नाम लिखवा के आ रहे थे, अपना पता, अपना आधार नंबर देकर आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद आज तक इनको खाना नहीं मिला। साफ तौर पर कहना है कि कई जगहों पर खाने की बात आती थी, जहां पर जो है स्कूलों में खाना मिल भी रहा होता था, तो वहां तक जाए कैसे, क्योंकि अगर जाते हैं तो रास्ते में जगह जगह जो लॉकडाउन की वजह से पुलिस है, और इस वजह से अगर हम आगे निकलते भी हैं तो फिर वहां पर हमारा जो है हमारे ऊपर जो है लट चलाए जाते हैं, हमारे ऊपर जो है मारपीट की जाती है, और इस वजह से अब हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। तो कुछ इस तरीके से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के रहने वाले ये 12 मजदूर जो चले जा रहे हैं, रास्ते में कहीं रुक गए, किसी ने खाना दे दिया तो खा लिया, वरना इसी तरीके से इसी उम्मीद के सहारे सफर आगे बढ़ा रहे हैं कि कैसे भी होगा किसी दिन तो अपने घर पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।